हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो इंग्लिश बुक है क्लास सिक्स की विंड चाइम्स, उसका जो फिफ्थ लेसन है एथोस, पर्थोस एंड एरेमिस, इसको स्टडी करने चल रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि इसके सॉल्यूशंस यानी क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ncertitutorials.com। तो वहाँ से आप जाके इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी में एंटर करते हैं, लेकिन उसके पहले जो शुरू में दिया गया है उसको हम स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद जब स्टोरी के पास हम पहुंचेंगे शुरुआत करने के लिए, तब मैं उसके बारे में कुछ आपको जरूर बताऊंगा। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। एथोस, पर्थोस एंड एरेमिस, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फॉन्डर मतलब टू थिंक अबाउट, विचार करना, सोचना। तो आर्म फोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड हैव ऑलवेज बीन एलिट कोर। देखिए, कोर हो गया जो आर्मी होती है, उसके डिवीजन्स होते हैं डिफरेंट, तो उनमें कोर एक बड़ा डिवीजन होता है जिसमें कई रेजिमेंट्स होती हैं। और तो आर्म फोर्सेस की बात हो रही है, आर्म फोर्सेस किसी भी देश की सेना होती है, तो उनके कुछ एलिट का मतलब हो गया कुछ खास, मतलब स्पेशल, जो कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी फील्ड में मिल जाएंगे, समाज में मिल जाएंगे, मतलब चाहे वो रिच पीपल हों, चाहे वो इंटेलिजेंट पीपल हों, चाहे वो टैलेंटेड पीपल हों, उनके कुछ अपने अचीवमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लें, तो क्रिकेट में क्या है कि आपके हो सकता है कि आपके स्कूल में भी खेलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, स्टेट लेवल पे हों, लेकिन जब हम तेंदुलकर की बात करते हैं, कोहली की बात करते हैं, या धोनी की बात करते हैं, है ना, तो क्या इनकी तुलना हम इनसे कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर से? नहीं, कुछ खास हैं वो लोग। उसी प्रकार से बॉलीवुड में देखिए आप, उसी प्रकार से आप किसी भी क्रिएटिव जगत में देखिए आप, म्यूज़िक के क्षेत्र में देखिए आप, सिंगर के क्षेत्र में देखिए आप, तो कुछ खास जो लोग होते हैं वो बाय बर्थ भी हो सकते हैं और बाय देयर ओन अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो सोल्जर्स होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ हमारे इंडिया में या आज के जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कमांडो, उसको हम सुनते हैं, तो कोई भी कमांडो में दिख जाता है, या कमांडो की जब हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो काला कपड़ा बांधे हुए, मतलब एक अट्रैक्शन उनके प्रति फील होता है, वो देखो कमांडो जा रहा है ना। तो जो डिफरेंट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं, जो पीएम की रक्षा करते हैं, राष्ट्रपति की रक्षा करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट की, उनकी रक्षा करते हैं, वो स्पेशल मतलब जनरल सोल्जर्स नहीं होते, स्पेशली इफ़िशेंटली ट्रेन स्पेशल सोल्जर्स होते हैं, कमांडोज उन्हीं में आते हैं और उनकी संख्या कम होती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेस्टिजियस प्लेस सोल्जर्स की हम कह सकते हैं। तो वही है एलीट ग्रुप, कोर मतलब आर्मी के अंदर भी जो जनरल सोल्जर्स होते हैं उनमें भी कुछ खास सेना की टुकड़ियों के लिए एलीट कोर। तो आर्म फोर्सेज में हर जगह आपको मिलेगा। एलिट कोर रिफर्स टू ग्रुप्स, जैसे यहाँ पे इसको हम कोर पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम जो है पी को साइलेंट रखेंगे कोर, और अगर हम इसमें एस जोड़ दें तो क्या होगा यहाँ पे, तो बहुत ही ख़राब मीनिंग निकल के आएगा, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी, तो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको मिटा देते हैं, सिर्फ कोर रहने देते हैं। रेफर टू ए ग्रुप्स ऑफ स्पेशली चोजन, मतलब खास तौर पर चुने हुए, एक्सट्रीमली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, या आप काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, इफ़िशेंट यानी बहुत ही स्किल्ड कुशल सैनिक होते हैं। एलिट कोर हैव ऑलवेज बीन सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट फैसिनेशन फॉर पीपल, फैसिनेशन मतलब होता है कि भाई अट्रैक्शन, है ना, जो लोगों का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचे, तो किसी भी सेना का जो एलिट कोर होता है वो लोगों के आकर्षण का विषय भी होता है, मतलब पीपल टॉक अबाउट देम, पीपल वॉन्ट टू सी देम, और वो फैसिनेशन हर समय रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, इनको भी हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। द बर्सर्कर्स, इसको आप चाहें तो दो प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं, बर्सर्कर्स या बर्सर्कर्स, ओके। वो एंशंट नॉर्स वैरियर्स, देखिए नॉर्स जात के लोग जो हैं, हालांकि वैरियर्स थे, वैरियर्स का मतलब होता है जो योद्धा होते हैं, लड़ते हैं। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो नॉर्थ पीपल लिव्ड हियर, ओके, हु आर सपोज टू फाइट इन अ ट्रांस लाइक फ्यूरी। देखिए ट्रांस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने होशो हवास में ना हो, है ना, किसी और के कंट्रोल में हो, तो आप एकदम शुद्ध बुद्ध खो के एकदम इस तरह से भिड़ जाते हो कि आपको कोई परवाह नहीं अपनी जान की, मतलब पूरी तरह से लाइक अ क्रेजी पर्सन, है ना, मैड पर्सन, तो वो है अनकंट्रोल्ड वे में। और फ्यूरी का मतलब हो गया क्रोध, क्रोध मतलब जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, देन इट इज़ फ्यूरी, और उसमें आप वायलेंट भी हो सकते हैं। इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब होता है कि डराना, धमकाना, सामने वाला डर जाए आपसे, तो वो आपका एटीट्यूड, वो आपका बिहेवियर, वो इंटिमिडेटिंग। अपोनेंट्स लाइक शौक, देखिए अपोनेंट्स का मतलब हो गया जो उनके खिलाफ लड़ते होंगे, शौक का मतलब हो गया कि वो इस तरह से भिड़ जाते थे कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाता था, कि अरे थोड़ा सा डर उसके अंदर आ जाता था। नॉर्मल फाइटर्स नहीं थे,
एज मच एज बाई स्किल, तो एक प्रकार से सामने वाला शौक भी रह जाता था और इनकी लड़ने की जो कला थी, स्किल थी, ये माहिर थे अपने जो भी वेपनरी ये यूज़ करते थे, जो भी अस्त्र शस्त्र यूज़ करते थे, जो हथियार यूज़ करते थे, उसमें बहुत ही पारंगत थे, एक्सपर्ट थे। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ डिराइव फ्रॉम दिस एंशंट एलीट कोर। तो एलीट का ऑलरेडी मैं मतलब आपको बता ही चुका हूँ। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आज भी वर्ड यूज़ होता है बर्सर्क, ओके, और इसे फ्रेज बनते हैं गो बर्सर्क या रन बर्सर्क, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप अनकंट्रोल्ड, बहुत एक्साइटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आप और क्रेज़ी हो जाते हैं आप मूवमेंट्स को लेके, देन इट इज़। तो ये अक्सर होता है ना, आप क्रिकेट देखते हो या कोई इंटरटेनमेंट देखते हो तो वहाँ पे कोई ऐसे मूवमेंट्स आते हैं व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, आप चिल उठते हैं या आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ में, मतलब बर्सर्क अनकंट्रोल्ड वे में। तो ये हो गया आपका, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका यूज होता है। और यहाँ देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने, देखिए हॉर्न है ना, थोड़ा सा डराना, कपड़े तक उतार देते थे लड़ते वक्त, और कभी ऐसा भी कहा जाता है कि बियर स्किन को भी ये वियर करके लड़ा करते थे, बस भिड़ जाते थे सामने वाला, हक्का उक्का रह जाते देख के। इसके बाद यहाँ पर है कंपेनियंस, जिनको हेतेरोई भी कहा जाता था, ये भी एलिट कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है जो घुड़सवार सैनिक होते हैं घोड़े पर राइड करते हुए, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है। मैसिडोनियन आर्मी, मैसिडोनिया, आज तो वो छोटा सा है, मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज़ मैसिडोनिया, लेकिन एक समय ये इतना ही नहीं था, बल्कि कुछ इधर के क्षेत्रों को लेके, कुछ उधर के क्षेत्रों को लेके, कुछ उधर के क्षेत्रों को लेके, ग्रीस के क्षेत्र को लेके ये बड़ा था। आर्मी फ्रॉम टाइम ऑफ किंग फिलिप सेकेंड, किंग फिलिप सेकेंड का नाम तो शायद आपने ना सुना हो मैसिडोनिया का, बल्कि आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं, उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो उस समय ये जो इनकी कंपेनियंस वाली जो आर्मी थी, कैवलरी, स्पेशली ट्रेन पीपल, जिनको सबसे ज़्यादा अच्छी वेपनरी दी जाती थी, अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे, उनकी प्रेस्टिज काफ़ी बड़ी, एंड ऑफन रिफर टू द हैमर ऑफ द मैसिडोनियन आर्मी, इनको हैमर ऑफ द मैसिडोनियन आर्मी भी कहा जाता था। मतलब कि हैमर आप जानते हैं, हथौड़ा, पड़ गया हथौड़ा तो नीचे वाली चीज़ चक गई, टूट गई, तो एकदम सामने वाले को धराधाई कर देते। दे वर ऑल्सो द किंग्स कॉन्फिडेंट, देखिए कॉन्फिडेंट मतलब होता है जिस पर आप फुली ट्रस्ट कर सको। होंगे आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो आपके कॉन्फिडेंट्स होंगे, तो ये राजा के बड़े ही वफादार सैनिक हुआ करते थे, इन पर विश्वास कर सकता था राजा। इसके बाद यहाँ पे दो हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक तो प्रिटोरियन गार्ड्स हैं, जिनको कोहॉर्ट्स ऑफ प्रिटोरिया भी कहा जाता है, और जैनिसारीज, है ना, आज भी हम कहते हैं यार तुम पे तो जानिसार है, मतलब अपनी जान कुर्बान है, यानिसारीज। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे राजा के, राजा के परिवार के, या जो बड़ी हाई रैंकिंग एलिट एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ होती थी उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे। आज भी हमारे यहाँ देखिए ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके बहुत ही स्पेशली ट्रेंड प्रोटेक्शन करने वाले लोग होते हैं ना, कमांडोज होते हैं, वो नॉर्मल जो फील्ड में लड़ने वाले सैनिकों से कुछ अलग ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग होती है, अलग वो काबिल होते हैं लोग, उनको बनाया जाता है उस तरह से। तो ये तो रोमन एम्पायर के समय की बात है, रोमन एम्पायर भी अपने समय में बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जहाँ पे जर्मनी है और फिर इटली है। और यहाँ जो बात हो रही ऑटोमन सुल्तान्स की बात हो रही है, मैं आपको दोनों को मैप में दिखा देता हूँ। देखिए जो आपको टर्की दिखाया जा रहा है ना, इतना बड़ा टर्की है ये पूरा, तो कभी, अब तो इतना रह गया है, मतलब ये मॉडर्न मैप है यूरोप का, लेकिन कभी ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, और काफ़ी दूर में पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ऑल दीज थिंग्स, ये सब इसी में शामिल था। और नीचे चूंकि एशिया का मैप इसमें है नहीं, तो मिस्र का हिस्सा और काफ़ी कुछ, जैसे बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, काफ़ी लंबे समय तक शासन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुआ करता था। तो वो आपका ऑटोमन एम्पायर हो गया। और जो रोमन एम्पायर की हमने बात की थी, तो जर्मनी में और फिर इटली में ये फैला हुआ था पूरा, काफ़ी बड़ा साम्राज्य ये भी था। जैसे हम अपने इंडिया में बात करते हैं तो अशोक का साम्राज्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, हर्ष के समय का साम्राज्य, ये सारे इंडिया के मैंने एग्जाम्पल दिए आपको। तो वर द एलिट सोल्जर्स एंड बॉडी गार्ड्स हुआ करते थे, और हाई एंड माइटी, मतलब हाईली ट्रेंड होते थे, बड़े शक्तिशाली होते थे। दे आल्सो गेन ग्रेट पॉलिटिकल पावर एंड मोर देन वंस। देखिए पॉलिटिकल पावर की हम बात करें तो आपको यहाँ भी मिलेगा है ना, और यहाँ भी मिलेगा। तो ये दोनों को दोनों बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते थे और वफादार होते थे, राजा के पर्सनल अंगरक्षक बॉडीगार्ड हुआ करते थे।
लेकिन चूंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होते थे, इनका अपना ग्रुप होता था, तो धीरे धीरे क्या हो गया ना कि राजा इन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होने लगा। इनके कहने पर से चलना पड़ता था और राजा को हटाना और नए राजा को बैठाने तक की ताकत इनके पास इन्होंने गेन कर ली थी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि गेन ग्रेट, गेन मतलब दे गॉट ग्रेट पॉलिटिकल पावर और मोर देन वंस, एक नहीं एक से ज़्यादा बार डिसाइडेड द फेट ऑफ द रोमन एम्परर। रोमन एम्परर कौन बनेगा नया, उस पर भी कंट्रोल रहता था। अगर हम इंडिया से एग्जांपल दें तो गुलाम वंश आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप क्लास में आगे जाएंगे सेवन्थ एट्थ वगैरह में, सेवन्थ में मिडिल हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी, तो उसमें आप देखें किस प्रकार से जो राजा के गुलाम हुआ करते थे वो जाके राजा बन गए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ बलबन का, बहुत ही शक्तिशाली वो गुलाम वंश का शासक था। इसी प्रकार से यहाँ भी है जानिसारीज, है ना, हालांकि इनको डिस्पेंड कर दिया गया था बाद में, तो ये बहुत ही डिसिप्लिन होते थे, लॉयल होते थे और यहाँ तक कि ये इतने वफादार होते थे कि शादी तक नहीं करते थे कि मैरिज करने के बाद हो सकता है कि हमारी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं हमारी वफादारी में बीच में रोड़ा अट गया, हम कभी पत्नी के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में हम कभी बेईमानी कर जाएं, इतने ज़्यादा डिवोटेड होते थे। इसके बाद यहाँ पे है फ्रेंड्स फाइंड्स फाइट समटाइम्स, कभी कभी दोस्त भी आपस में लड़ते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट ओकेजनल आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट फ्रेंड्स फाइट समटाइम्स, कभी कभी दोस्त भी लड़ते हैं आपस में। इट इज़ ऑफन सेड दैट ओकेजनल आर्ग्यूमेंट्स, देखिए ओकेजनल मतलब होता है कभी कभी, रोजाना लड़ने वाले दोस्त कहाँ से हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स मतलब कोई पॉइंट है जिस पर आप एग्री नहीं करते हो तो आप डिबेट करना शुरू कर देते हो। आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, है ना, तो भाई आप कुछ और कह रहे हो उसी बात पे मेरी और कोई राय है, मेरी कोई और ओपिनियन है, तो वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। तो आपस में लड़ने को लगे ना कि फिजिकली वो लोग इन्वॉल्व हो जाएं, बल्कि हम बात से ही, है ना, कुट्टी तक कर लेते हैं, कट्टी। तो क्या रिलेशनशिप में ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी है कि हम कभी ना लड़ें आपस में, अब ये तो आप डिबेट करिए। लेकिन कैसे हो सकता है, अगर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आपस में तो ज़रूर कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होता होगा। इन व्हाट वेज डू यू थिंक फाइट्स कैन हेल्प फ्रेंडशिप? इसमें लिखा है कि आपको क्या लगता है आपको कि जो युद्ध फाइट्स होती हैं, चाहे वो बाताबाती वाली हो, चाहे वो किसी भी तरह की फ़ाइट हो, तो वो फ्रेंडशिप में हेल्प करती है। भाई ये तो आप बात करो, मैं तो क्लास में हूँ नहीं, क्लास में होता तो 3-4 दिन में लेसन ख़त्म करता और बहुत सारी बातें करता आपसे, लेकिन मुझे तो एक वीडियो में शॉर्ट, वो भी कमेंट्स ऐसे आते हैं सर आठ शॉर्ट बनाइए, बताओ इतना बड़ा बड़ा लेसन जिसे 4-5 दिन लगता है क्लास में ख़त्म करने में, मुझसे उम्मीद करते हैं मैं फटाक से ख़त्म कर दूँ। हैव यू एवर हैड फाइट विद अ फ्रेंड? उन्हीं के सुनते हुए मैं आगे चल रहा हूँ, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा इन सब चीज़ों पे। हैव यू एवर हैड अ फाइट विद अ फ्रेंड? क्या कभी आप किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हुई है? और किसी लव्ड वन, अरे कोई दोस्त ही नहीं जिसे आप बहुत चाहते हो, पसंद, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, आपके रिलेटिव कोई हो सकता है, मतलब जिन्हें आप चाहते हो, जिन्हें लाइक करते हो और जिनका साथ आपको पसंद हो, और उनसे भी आप भिड़ गए, दैट टर्नड आउट टू बी, लेकिन बाद में उसने आपकी मदद की हो। तो मेरे पास तो एग्जाम्पल है लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं चल रहा हूँ आगे। अब आते हैं हम मेन स्टोरी पर, और ये अलेक्जेंडर ड्यूमा बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, खूब लिखा इन्होंने, खूब लिखा, और द थ्री मस्केटियर्स तो बहुत फेमस है इनकी, जिसपे एक नहीं कई फिल्म्स बनी है, आप उन्हें देख सकते हो। वाज अ फ्रेंच राइटर थे और अपने हिस्टोरिकल एडवेंचर के लिए फेमस थे। तो ये जो द थ्री मस्केटियर्स है ना, ये भी एक हिस्टोरिकल एडवेंचर नॉवल है, और जैसे एग्जांपल दिया द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और द थ्री मस्केटियर्स, द मैन इन द आयरन मास्क, है ना, तो इस तरह से इन्होंने दिया, इमेंसली पॉपुलर, और अपने जीवन के समय में भी थे, और आज तो है नहीं 1817 की डेथ हो गई, उनके लड़के का भी नाम यही था अलेक्जेंडर ड्यूमा, और उन्होंने भी खूब लिखा है, मतलब ही वाज आल्सो राइटर। तो लगभग 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में उनका जो वर्क है, जो उन्होंने लिखा है, उसको ट्रांसलेट किया गया। थ्री मस्केटियर्स के साथ भी ऐसा ही है। देखिए थ्री मस्केटियर्स जो कहानी है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें आगे बढ़ने से पहले कि थ्री मस्केटियर्स जैसे मैंने बताया कि स्पेशली ट्रेंड एलिट सोल्जर्स हुआ करते थे, और ये शायद लुईस 13 के समय की बात है, लुईस राजा 13। जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो देखें किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उस वक्त लुईस 18 का शासन था। तो ये जो रियल करेक्टर्स थे वहीं से इंस्पायर्ड होकर इनके नाम रखे गए, जैसे एथॉस, पोर्थॉस और एरेमिस, मतलब एथॉस, पोर्थॉस एंड एरेमिस। अब उसके बाद आपको एक और मिलेगा द आर्थिनियन, ठीक है। तो जो शुरुआत में नॉवल में क्या होता है कि द आर्थिनियन जो होता है वो उसके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, और जो द थ्री मस्केटियर्स का जो कमांडर होता है, जो कैप्टन होता है, जो हेड होता है, जो सारे मस्केटियर्स को कंट्रोल करता था, उनको इंस्ट्रक्शन देता था, उनको डायरेक्शन देता था, उसका नाम होता है मिस्टर ट्रेवेली, ठीक है।
ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो वो लेटर ले जाके उनको देना था जिससे कि मस्केटियरी बन सके। लेकिन रास्ते में एक रॉसफोर्थ नाम का एक आदमी होता है, मतलब जो रास्ते में झगड़ा वगड़ा करता है, उसका ये लेटर चुरा लेता है। उसका नाम होता है, ये लिख देता हूँ, रॉसफोर्थ। और ये फिर इसके ये पीछे भागता है इसको पकड़ने के लिए, है ना, कि लेटर ले सके। लेकिन उसी भागते समय इसकी मुठभेड़ होती है तीनों मस्केटियर से। टाइम टाइम पे एथोस से होती है, फिर पोर्थोस से होती है, फिर एरेमिस से होती है। और आगे चल के मैं थोड़ा सा और नावल के बारे में बताऊंगा जब और इसमें करेक्टर्स आएंगे, और कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं इस कहानी के बारे में आपको दूंगा। तो चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं कि इस इतने हिस्से में आपके चैप्टर के लेसन में क्या दिया गया है। D'Artagnan reached the top, जो मैं प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप फ्रेंच में देखेंगे तो इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा उतना नहीं होगा। फिर भी D'Artagnan आप इनको कह सकते हो, D'Artagnan reached the top of the stairs, यानी सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर पहुँचा। When he ran into a musketeer, देखिए run into का मतलब होता है कि आप जाते किसी से भिड़ जाएं, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं और आमने सामने से भिड़ जाती हैं। Into a musketeer, और जिससे वो टकराया था वो musketeer था, who was coming out, जो कि बाहर आ रहा था अपने कमरे से, at the sight। तो भाई मान लीजिए कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये जीना है, ऊपर पहुँचा हुआ है, बगल में रूम बने हुए हैं, तो साइड से जैसे निकला वैसे ही टकरा गया इससे। ये है, द मस्केटियर वॉज डेथली पेल। देखिए डेथली मतलब होता है मौत जैसा, पेल का मतलब होता है पीला। तो जब हम मतलब दर्द के मारे चेहरे का जब हमारा रंग उतर जाता है, या डर के मारे जब हमारा रंग उतर जाता है, घबराहट के मारे हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, तो पीला पड़ता नहीं वास्तव में, लेकिन ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से, हमारी चिंता की वजह से ऐसे कुछ रिएक्शन होता है कि हमारा कहते हैं ना, तुम्हारा चेहरा गिरा क्यों हुआ है, चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है। और डेथली का मतलब, इसका मतलब यह है कि जब टकराया था तो इतना भयानक उससे टक्कर हो गई थी कि उसको बहुत दर्द हो रहा था, है ना, जैसे मर ही जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे डेथली पेन यूज हुआ है। ही गेव अ क्राई ऑफ पेन, चिल्ला उठा दर्द से। D'Artagnan ऑलमोस्ट नॉकड हिम डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है टक्कर मार के गिरा देना। तो D'Artagnan ने लगभग लगभग, ऑलमोस्ट मतलब होता है कि पूरी तरह नहीं बट लगभग लगभग नियरली ये काम कर ही दिया था। क्या कर दिया था, गिरा ही दिया था, हालांकि वो ठीक से गिरा नहीं, मतलब जैसे धड़ाम से गिरा देना उस तरह की घटना नहीं घटी, लेकिन गिरते गिरते बचे। एक्सक्यूज़ मी, cried D'Artagnan, तो D'Artagnan एक मैनर्ड आदमी था, है ना, पोलाइटली उसने कहा एक्सक्यूज़ मी बट आई एम इन अ ग्रेट हरी। मैंने बताया ना आपको, रॉसफोर्थ का पीछा कर रहा था वो, जो उसका लेटर लेके चुरा के भाग गया था, तभी यहाँ से टकरा जाता है, और जितनी देर में टक्कर होके बातचीत हो रही है उतनी देर में और आगे भाग जाएगा, इसलिए वो कहता है कि अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं बहुत जल्दी में हूँ, आई एम इन अ ग्रेट हरी। ही हैड बेयरली गॉन डाउन द फर्स्ट स्टेप, बेयरली मतलब बमुश्किल से, मतलब ज़्यादा नहीं, ओनली, बेयरली मतलब आप यहाँ समझ लीजिए ओनली। ही हैड ओनली गॉन डाउन द फर्स्ट स्टेप, वो सीढ़ी का पहला ही स्टेप नीचे उतरा, जैसे मैंने बताया ना कि ऊपर था फिर ऊपर से नीचे उतरा था। वैन एन आयरन हैंड सीज्ड हिम, सीज्ड मतलब होता है जकड़ लेना ऐसे, जाओ ही मैन स्टॉप्ड हिम फ्रॉम रनिंग डाउन, तो नीचे दौड़ कर नीचे उतरने से रोक लिया उस हाथ ने, जकड़ कर पीछे खींच लिया। अब जब इमेजिन कर लिए, क्योंकि जब आप स्टोरी पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, तो आपको सारी चीज़ें इमेजिन करनी चाहिए, किस प्रकार जा रहा है और ऐसे वो उस तरफ मुंह करके आगे की तरफ जा रहा है और आपने उसको ऊपर घसीटा। और स्ट्रांग आयरन, आयरन का मतलब ये हो कि बहुत ही मजबूत हाथ था, और फिर मस्केटियर थे ना ये लोग। यू आर इन अ हरी, तुम्हें जल्दी है, एथोस क्राइड, अब आ गया यहाँ पे पहला आपका मस्केटियर। एंड यू ऑलमोस्ट नॉक मी डाउन, और तुमने मुझे लगभग लगभग गिरा ही दिया था, यू से, और तुम ये कहते हो एक्सक्यूज मी एंड थिंक दैट इज़ इनफ, और सोचते हो बस इतने से ही काम चल जाएगा, इतना ही काफ़ी है। इनफ का मतलब सफिशेंट, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्सक्यूज़ कहने से काम नहीं चलने वाला, बट इट इज़ नॉट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यू हर्ड, अब देखिए यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जैसे हम इंग्लिश में सर कहते हैं तो वैसे यहाँ पे फ्रेंच में मिश्योर 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 डि ट्रेवल। तो देखिए ये पूरा नाम है उस जो मस्केटियर्स के कमांडर का, उनके हेड का, उनके कैप्टन का, जिसके अंडर में सारे मस्केटियर्स काम करते थे। तो यू हर्ड मिस्योर ट्रेवल स्कोल्डिंग, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, अस टुडे, तो आज आपने सुन क्या लिया हमको डांटते हुए, मतलब होगा कोई घटना होगी, पूरी नॉवल तो मैंने नहीं पढ़ी हुई है बट आई हैव रेड द स्टोरी। तो
क्योंकि मस्किटियर्स ये जो एथॉस है इसको डांटा उटा होगा और उस वक्त ये पहुंच गया होगा डार्ट हिनन। तो उसने कहा कि तुमने हमें उनको हमें डांटते हुए क्या सुन लिया, सो यू थिंक यू कैन आल्सो बी रूड टू अस, तो क्या तुम भी हमारे साथ रूडली बिहेव कर सकते हो। देखिए पोलाइट का अपोजिट होता है रूड, आप समझ गए होंगे, बड़े रूखेपन से और रिस्पेक्ट ना दिखाते हुए जब आप बोल दो तो यू आर रूड। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ बींग रूड, देखिए इंटेंशन बोला इरादा, जानबूझ कर आप क्या करना चाहते हो वो आपका इंटेंशन होता है। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ बींग रूड, मैं आपके प्रति रूड नहीं होना चाहता, डार्ट हिनन ने कहा। लेकिन जरा आप ध्यान रखिए, वो जो रशफोर्ड था वो आगे भाग चुका है और ये एथॉस के चक्कर में फंस गया। इट वॉज जस्ट दैट मतलब ये ऐसी बात ये है कि मतलब ऐसा हुआ कि आई वॉज इन हरी, में जल्दी में था, एंड आई बम्ड इंटू, वही रन इंटू का मतलब होता है बम्ड इंटू, मतलब बम का मतलब ये होता है कि आप जाके भिड़ गए, रन इंटू में तो चलो थोड़ा बहुत आप बचाते भी हो, बम में एकदम गाड़ी जाके भिड़ी, तो ये जाके भिड़ गया। यू एक्सीडेंटली, तो एक्सीडेंटली मतलब होता है कि दुर्घटनावश, मतलब बाई चांस, कोई प्री प्लान ना हो, पहले से सोचे समझा ना हो और फिर वो घटना घटती है तो उसको एक्सीडेंटल कहते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसे बुरे घटनाओं से जोड़ देते हैं, जबकि एक्सीडेंटल अचानक के लिए कहीं पे भी यूज़ हो सकता है ना। दो लोग आपस में मिल जाएं, बाद में उनके बीच में दोस्ती हो जाए, तो पहली मुलाकात को भी हम एक्सीडेंटल मीटिंग कह सकते हैं। यू आर इन अ हरी नाउ, तुम्हें जल्दी है, बट यू विल फाइंड मी विदाउट हैविंग टू रन। यू विल फाइंड मी का मतलब होता है तुम मुझे पाओगे, विदाउट हैविंग टू रन, यानी विदाउट हैविंग टू रन का मतलब यह है कि मुझे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ना मैं दौड़ूंगा यहाँ से जाने वाला हूँ, ना तुम्हें जाने दूंगा, बट यू विल फाइंड मी विदाउट हैविंग टू रन। डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हें बात समझ में आई। देखिए उस ज़माने की बात है जहाँ पर लोग अपने सम्मान के लिए जो है द्वंद युद्ध किया करते थे, जिसे हम ड्यूल कहते हैं। तो डार्ट हिनन अंडरस्टूड एट वंस, डार्ट हिनन को एकदम तुरंत समझ में आ गया, एथॉस वॉज चैलेंजिंग हिम टू ए ड्यूल। यहाँ कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं और मैं मीनिंग आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मैं आपको शो कर रहा हूँ नीचे, है ना, एक स्ट्रिप में। तो डार्ट हिनन तुरंत समझ गया कि ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे जाने नहीं देंगे ये मस्केटियर, और ये हमें ड्यूल के लिए ललकार रहा है। एंड वेयर मे इट बी, वेयर मे इट बी का मतलब ये कहाँ पर होगा श्रीमान, प्लीज नियर द कॉमस डिशो। देखिए आप इसको वैसे तो आप डिखॉस पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन आप इसको ऐसे पढ़िए कॉमस डिशो, कॉमस डिशो, कुछ फ्रेंच का प्रोनाउंसिएशन लेते हुए, एट 12 o'clock, ध्यान रखिए 12 बजे कॉमस डिशॉक के पास आकर हमसे मिलो। तो ये कोई प्लेस होगी वहाँ पर, वेरी वेल आई विल बी देयर, ठीक है, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा आपसे। डार्ट हिनन रैन ऑन, वो जैसे दौड़ रहा था तो वो फिर उसने दौड़ना चालू कर दिया, इसलिए यहाँ पे ऑन शब्द का प्रयोग किया, रैन ऑन, आगे बढ़ गया दौड़ते हुए। स्टिल होपिंग, स्टिल मतलब अभी भी, होपिंग मतलब आशा, टू कैच द मैन, उस आदमी को पकड़ने की आशा अभी भी थी जिसमें इतनी देरी हो गई थी एथॉस के साथ, तो उसने सोचा कि मैं अभी भी दौड़ के पकड़ सकता हूँ। डार्ट हिनन एक यंग पर्सन था, लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छा शॉट्समैन भी, तलवार बहुत अच्छी चलाता था। फ्रॉम म्यूंग, देखिए इसमें ये टर्म यूज होता है मैन फ्रॉम म्यूंग, ठीक है, म्यूंग, मूंग भी आप कह सकते हैं इसको, म्यूंग, म्यूंग, तो मैन फ्रॉम म्यूंग। पूरे नॉवल में ये जो व्यक्ति है रॉसफोर्ड, ये मैन फ्रॉम म्यूंग के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि डार्ट हिनन को वास्तव में पता नहीं होता, बाद में पता चलता है कि जो रॉसफोर्ड है वो कार्डिनल गार्ड्स, जैसे मस्केटियर्स का हेड था मिस्टर ट्रेवल, है ना, मिश्योर डी ट्रेवल, उसी प्रकार से कार्डिनल गार्ड्स जो आगे आपको मिलेगा देखने के लिए, उनका जो कमांडर था वो था रॉसफोर्ड, और मस्केटियर्स के कमांडर, मतलब मस्केटियर्स और कार्डिनल गार्ड्स में आपस में जमती नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मतलब जो आप ना चाहते हो और वो हो, तो उसे हम कहते हैं अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली पोर्थोस वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, अब बताइए दौड़ रहा है और रास्ते में एक और मस्केटियर मिल गया जिसका नाम है पोर्थोस, टॉकिंग टू अनदर मस्केटियर, वो किसी और मस्केटियर से बातचीत कर रहा था। डार्ट हिनन, देखिए मैं इतना तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि सर शॉर्ट वीडियो बनाया करिए। डार्ट हिनन ट्राई टू रश ऑन बिटवीन द टू, रश ऑन का मतलब होता है कि थोड़ा सा झपट के आप दौड़ते हुए, बिटवीन द टू, दोनों के बीच से, यानी कि ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और दूसरा भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच से निकल जाऊँ, है ना, तो इस तरह से कोशिश करता है। बट एट दैट मोमेंट द विंड ब्लू आउट पोर्थोस लॉन्ग क्लॉक, तो उसी समय मतलब उसी टाइम मोमेंट
हवा की वजह से, मतलब हवा चली रही थी, कुछ हवा ऐसी चली कि जो पोर्थोस था उसका जो क्लॉक था, देखिए आप जो कपड़े पहनते हैं ना, आप फॉर्मल ड्रेस के ऊपर जो आप एक लबादा टाइप का ओढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लंबा नीचे तक होता है, और ऐसे आप ना चाहे तो एक आध बटन भी बंद कर सकते हैं, ऐसे उस समय के लोग पहना करते थे। आपने देखा होगा जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह होते हैं, तो वो लोग अपने ड्रेस के ऊपर काला गाउन ऐसे पहने रहते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, करे पुरानी फिल्मों में। तो वो क्लॉक है, मतलब ऊपर से, तो वो आपके सारे कपड़ों को ढके रहता है, बस सामने का पोर्शन थोड़ा सा आपका कपड़ों का दिखाई देता रहता है, इसे आप लबादा कह सकते हैं। एंड डार्टेनियन वॉज कॉट इन इट, तो वो उड़कर डार्टेनियन के ऊपर चला गया और डार्टेनियन उसमें थोड़ा फंस गया। डार्टेनियन, अब आप इमेजिन करिए किस प्रकार से कपड़ा उड़ा और डार्टेनियन के थोड़ा सा खोपड़ी ओपड़ी के आसपास आ गया। डार्टेनियन नोटिस दैट वाइल द फ्रंट ऑफ पोर्थोस बेल्ट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो डार्टेनियन नोटिस, नोटिस मतलब होता है कि आप चीज़ को देखें भी और समझने की कोशिश करें, है ना, क्या है। नोटिस दैट वाइल द फ्रंट ऑफ पोर्थोस, पोर्थोस का जो फ्रंट पार्ट था, बेल्ट का फ्रंट पार्ट, मतलब जो बेल्ट थी, जैसे आप बेल्ट पहनते हो तो सामने का जो बकल है वो स्टील का हो सकता है, पीतल का बना हो सकता है, वॉज मेड ऑफ गोल्ड, द रेस्ट वॉज सिंपल लेदर। ओ हो, तो जो उसका फ्रंट था कि भाई ये बेल्ट हो गई, बेल्ट का जो फ्रंट पार्ट था ये गोल्ड का था, बाकी जो बेल्ट थी घूमी हुई थी पीछे उसके कमर में, वो लेदर की थी, तो ये लेदर हो गया और ये गोल्ड हो गया। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग रशिंग अबाउट लाइक अ मैड मैन, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या समझते हो तुम क्या कर रहे हो, रशिंग अबाउट लाइक अ मैड, पागलों की तरह भागते हुए चले आ रहे हो। डिमांडेड, जब आप गुस्से में क्वेश्चन करते हो और आपको जवाब चाहिए, बताओ, तो वो है डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड मतलब आस्क ही है, बट इन एंग्री मैनर। तो पोर्थोस से उसने गुस्से में कहा कि तुम क्या समझते हो, क्या कर रहे हो इस तरह से दौड़कर। एक्सक्यूज मी, आई वॉज इन हरी, फिर ये बहुत पोलाइटली कहता है, एक्सक्यूज मी, माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आई एम रनिंग आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे दौड़ना, किसी के पीछे पड़े रहना, दिस इज़ कॉल्ड रनिंग आफ्टर समवन, मैं किसी के पीछे दौड़ रहा हूँ, मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ, किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो तीन डॉट हैं, इसका मतलब ये होता है कि अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया, उसके पहले ही उसे टोक दिया गया। यू शट योर आईज व्हेन यू रन, क्या तुम आंखें बंद करके दौड़ते हो। नो, आंसर डार्टेनियन एंग्रीली, तो देखिए मेरे मुँह से कभी कभी डी निकल जा रहा है क्योंकि इसको हम डी बोलते हैं। तो डार्टेनियन कहता है, थोड़ा सा उसको भी गुस्सा हो जाता है, जो अंधा समझ रहा है क्या। नहीं, देन ही लुक्ड पॉइंटेडली एट पोर्थोस, तो अब वो चूंकि उसने बेल्ट को देखा, थोड़ा सा समझ गया मामला, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जब उसे पोर्थोस ने टोका तो फिर वो पीछे मुड़ा, और अब की बार उसने पोर्थोस की बेल्ट की तरफ गौर करके देखा। पॉइंटेडली का मतलब होता है ठीक आंखें उसी पे गड़ाते हुए। बेल्ट एंड सेट थैंक्स टू माई आईज, अब थोड़ा सा उसको मजाक सूझा, मेरी आंखों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आंखें लकी हैं, आई कैन सी, क्यों लकी हैं, आई कैन सी व्हाट अदर्स डू नॉट, मुझे वो दिखाई देता है जो औरों को दिखाई नहीं देता, मतलब मुझे, मैं वो देख सकता हूँ जो औरों को नहीं दिखाई देता। व्हाट अदर्स डू नॉट, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को मिस कर देते हैं, जैसे आई कैन सी व्हाट अदर्स डू नॉट सी होना चाहिए, जो कि सी यहाँ पे मिसिंग है, तो इस तरह के सेंटेंस भी होते कि मैं वो देख सकता हूँ जो और लोग नहीं, बस, या मैं वो देख सकता हूँ जो और लोग नहीं देख सकते, तो हिंदी में भी हम लोग जो है रिपीट नहीं करते इस तरह के वर्ड्स, तो मैं वो देख सकता हूँ जो और लोग नहीं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, व्हाट माइट बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्थोस बेल्ट, यहाँ पे पोर्थोस बेल्ट का क्या महत्व हो सकता है। देखिए मेरे जो दिमाग में आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में, कि पोर्थोस की बेल्ट का सामने वाला हिस्सा गोल्ड का था, बाकी लेदर का था, तो हो सकता है कि इस मस्केटियर में थोड़ा सा अपनी शान बनाए रखने का और बघाड़ने का और थोड़ा सा दिखावा टाइप का नेचर रहा होगा, कि लोग समझे कि मैंने सोने की बेल्ट पहनी हुई, और ये नॉर्मली होता है। अब जैसे आप बहुत मेकअप करते हो, अच्छे ड्रेस पहन के जाते हो, बन के चाल ढाल रखते हो, बोलने कोशिश करते हो, तो एक प्रकार का दिखावा ही है नेचुरली। तो हम लोग घर में जैसे रहते हैं अपने मम्मी पापा के बीच में, वो हमारा नॉर्मल बिहेवियर होता है। यहाँ पर कि मे बी द पोर्थोस वाज, तो यहाँ पे पोर्थोस की बेल्ट का यही सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपको बताया, कि ही यूज्ड सम ऑस्टेंसिबिलिटी, मतलब थोड़ा दिखावा। पोर्थोस टर्न्ड रेड विद एंगर, पोर्थोस को गुस्सा आ गया। रेड विद एंगर मतलब गुस्से से लाल, आपको गुस्से से लाल तो नहीं जाता, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो हमारे जो स्किन होती है, जो फेस होता है, उसमें और ब्लड सर्कुलेट होने शुरू हो जाता है। ठीक उसी का अपोजिट है जो मैंने शुरू में बताया था, चेहरा हमारा पीला पड़ जाता है, पेल्ड। सो यू डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू मस्केटियर्स, श्योर, देखिए वहाँ पे मैनरली ही बातचीत हो रही। सर श्रीमान, तुम्हें पता नहीं मस्केटियर से कैसे बातचीत की जाती, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें मैनर सिखाऊंगा।
लेट अस मीट एट 1 o'clock बिहाइंड द लग्जमबर्ग पैलेस। चलो लग्जमबर्ग पैलेस के बाहर जरा मुझसे मिलो। आप देखिए एथोस है तो भीड़ना ही था, अब इससे भी भीड़ है। देखिए लग्जमबर्ग पैलेस जो है ना, वो रानी जो लुइस 13 की माँ थी, तो उसने बनवाया था अपने लिए। बहुत ही फेमस महल था, लेकिन आजकल इसका यूज़ सीनेट के रूप में होता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे सीनेट इसको यूज करती है, मतलब पॉलिटिकल ये प्लेस है। अभी आई शैल बी देयर, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई शैल बी देयर मतलब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। सेड डार्टनन एंड रैन ऑन, फिर देखिए रैन ऑन मतलब दौड़ना उसने जारी रखा। इन सर्च ऑफ द जेंटलमैन फ्रॉम म्यूंग, वही रॉसफोर्ड, लेकिन नॉवल में शुरू में नहीं पता चलता। बट ही वॉज नो वेयर इन साइड, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, नो वेयर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जब उसने आँख उठा के देखा, सामने नहीं था। जस्ट देन स्पॉटेड एरामिस, तभी उसने स्पॉट मतलब होता है कि देखिए स्पॉट, इसको थोड़ा सा कलर कर दूँ, कोई चीज़ आपको नजर आए भीड़ में, किसी क्लस्टर में, किसी झुरमुट में, कई चीज़ें कंजेस्टेड हो, वहाँ पर कोई चीज़ आप नज़र आ जाए, देखिए स्पॉट। आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी क्या करते हैं ना, वो बैट लेके अपनी जो क्रीज होती है उससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ठोकते हैं ऐसे कर करके। जो पुराने खिलाड़ी थे ज़्यादा करते थे, सचिन तेंदुलकर के आप देखिए तो वो अक्सर इस तरह की हरकतें किया करते थे। तो उनको स्पॉट दिखाई देता है, तो उसको दाबते हैं कि बॉल जो है थोड़ा सा टक्कर खा के कहीं इधर उधर ना स्पिन हो जाए या लग ना जाए। तो स्पॉट का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई या टू फाइंड अ प्लेस, पर्सन एट्सेट्रा। तो उसने वहाँ पे जो भी आदमी था उसमें एरामिस नज़र आया। अब इसे पता थोड़ी हूँ कि एरामिस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें बताया गया टॉकिंग टू ए ग्रुप ऑफ मस्केटियर्स, वो भी मस्केटियर से ही बातचीत कर रहा था, यानी मस्केटियर्स मस्केटियर से ही ज़्यादा संबंध रखते थे। डार्टनन गेव हिम अ ग्रेसियस बो, देखे ग्रेसियस मतलब होता है वेरी पोलाइट, बहुत शालीन, बड़ा सज्जन है ना, बड़े मैनर्ड वे में, बड़े बड़ा दिल दिखाते हुए बो। बट एरामिस इग्नोर्ड हिम, लेकिन एरामिस ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभी होता है हम लोग किसी को गुड मॉर्निंग करें, टीचर्स भी कभी कभी होते हैं, कुछ को कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। अब कुछ लोग गुड मॉर्निंग कह दीजिए, गुड मॉर्निंग, अब कुछ लोग निकल जाएंगे, जवाब भी नहीं देंगे। इग्नोर्ड हिम, इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज करना है, होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डार्टनन रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब होता है कि उसने इस चीज़ को महसूस किया, उसके मन में बात आई। ही वॉज एन इंट्रूडर, वो कहीं इंट्रूडर तो नहीं है। देखिए इंट्रूडर का मतलब होता है कि कोई भी अनचाहा, एनीथिंग दैट इज़ नॉट वॉन्टेड इज़ इंट्रूडर, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है। आप लोग बातचीत कर रहे, कोई टपक पड़ा, ठीक है, तो आप जहाँ नहीं चाहते वहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँच जाए तो इंट्रूडर। तो उसने सोचा कि यार ये लोग बातचीत कर रहे हैं और मैं गलत जगह पहुँच गया इनके बीच में, क्या तो अब मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। बट डिड नॉट नो हाउ टू विड्रॉ, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। डिड नॉट नो का मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विड्रॉ कैसे करें। विड्रॉ मतलब पीछे हटना, बैंक में पैसा डाला, निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, कदम आगे बढ़ाया, पीछे कर लिया, फिर कदम को विड्रॉ कर लिया। सेना आगे बढ़ रही है ना, लड़ नहीं पा रही है, पीछे हुई, विड्रॉ कर लिया, है ना। तो आपने कोई बात कही, फिर कहा नहीं 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 मैं अपने शब्द वापस लेता, विड्रॉ कर लिया। तो उसी प्रकार से जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो सोचता है कि यार मैं यहाँ से हटूँ कैसे इस ग्रुप से। सडनली ही सॉ दैट एरामिस हैड ड्रॉप्ड हिज हैंडकरचीफ, तभी उसने मतलब उसने सोचा कैसे हटूँ या कैसे मैं यहाँ से मतलब पोलाइटली निकल जाऊँ। तब उसने देखा कि एरामिस जो था उसने एक हैंडकरचीफ गिराया नीचे। अब जानबूझ के गिराया या गिर गया वो अलग बात है। एंड दैट ही हैड क्विकली पुट हिज फुट ऑन इट, तो उसने तुरंत पुट हिज फुट अपना पैर रख दिया। हिज का मतलब एरामिस के लिए, एरामिस ने अपना पैर रख दिया ऑन इट, इस पर, इस पर का मतलब हैंडकरचीफ पर। एज दो ही वर ट्राइंग टू हाइड इट, देखिए यहाँ पे हाइड का मतलब छुपाना हो गया, और ही वर ट्राइंग, देखिए ही के साथ वर आया। हम जानते हैं कि ही के साथ हमें सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, इज यूज़ कर सकते हैं, वॉज यूज़ कर सकते हैं, पर वर यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, जैसे यहाँ पर है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो, पर हमें क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई के साथ वर लगा सकते हैं, ही के साथ वर लगा सकते हैं, शी के साथ वर लगा सकते हैं, है ना, कि वो मैंने देखा उस घर के आसपास, कई बार मैंने उसे देखा, तो मुझे लगता है जैसे कि वो शायद घर में चोरी करने का प्लान बना रहा हो। तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज इफ ही वर ट्राइंग है टू गेट इन टू द हाउस एंड स्टील। तो इसी प्रकार से जैसे काश मैं अगर देश का प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेज हम बना लेते हैं, बाकी आप अपने टीचर से क्लास में पूछिएगा। डार्टनन इमीडिएटली, तुरंत, है ना, वही क्विकली तुरंत, बेंड डाउन एंड पिकड अप द हैंकरचीफ, वो नीचे झुका, पिकड अप मतलब उठाया
उसने हैंकरचिफ को उठा लिया फ्रॉम अंडर द, फ्रॉम अंडर, प्रीपोजिशन पे बहुत ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन के कोई ऐसे रूल्स नहीं है हार्ड एंड फास्ट की आपको बताया जा सके, बस आप पढ़ते पढ़ते ही प्रीपोजिशन सीखेंगे। देखिए यहाँ पे दो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, फ्रॉम भी है अंडर भी है, फ्रॉम का मतलब से, अंडर का मतलब नीचे से, तो फ्रॉम अंडर द मस्किटियर्स फूट, तो फूट के नीचे से उस हैंकरचिफ को उठाया। हैंडिंग इट, हैंड का मतलब हैंड वर्ब भी है, तो हैंडिंग का मतलब किसी को हाथ में थमाते हुए, तो यहाँ पर किसको थमाया जा रहा है, एरेमिस को। हैंडिंग इट टू एरेमिस ही सेड, उसने एरेमिस को थमाते हुए ये कहा, ही किसके लिए आया यहाँ पर, ही हैज़ बीन यूज हेयर फॉर द डार्टिनिन, आई बिलीव, मुझे लगता है सर, मेरा विश्वास है सर, दिस करचीफ बिलोंग्स टू यू, हम लोग हैंकरचीफ को करचीफ भी बोल देते हैं, ये शायद आपका है। इट वॉज क्लियर टू एवरी वन, ये इट वॉज़ क्लियर टू एवरी वन का मतलब ये सबके लिए एकदम साफ था, क्लियर था, कोई भी चीज़ को जान सकता था, दैट दिस रिचली, रिचली का मतलब होता है वेरी ब्यूटिफुली यहाँ पर है, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है जिसमें कढ़ाई वगैरह की गई हो, आपने घरों में देखा होगा, अगर आपके घर में सिस्टर्स वगैरह होंगी बड़ी होंगी तो किस प्रकार से, अब होता है कि नहीं होता, लेकिन पहले लोग अपने रुमाल में अच्छे खास अपने नाम काट के अपनी कढ़ाई वगैरह करके रखते थे, तो कढ़ाई वाले कपड़े अपने घर में देखे होंगे, हैंकरचीफ सजाने के लिए यूज होते हैं, तो इस हैंकरचीफ को जिसमें बहुत अच्छी कारीगरी की गई थी और कढ़ाई की गई थी, एम्ब्रॉयडरी की गई थी, इसको देखकर इट वॉज़ क्लियर, किसी के लिए भी ये साफ था बताना कि बिलोंग ओनली टू अ वुमन, ये किसी औरत का ही हो सकता है, लेडीज़ का हो सकता है, किसी लड़की का हो सकता है, क्योंकि उसमें एम्ब्रॉयडरी थी। एरेमिस ब्लश डीपली, ब्लश का मतलब यहाँ पर है कि जब हम शर्म के मारे, जब हमारे गाल में लालिमा आ जाती, थोड़ी सी गाल लाल हो जाती, जो गोरे लोग होते हैं उनमें साफ नज़र आता है, ये शर्म के मारे होता है। अब शर्म आपकी करनी की वजह से हो सकता है, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, या आप बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहे हो, देन इट इज़ ब्लश्ड, या कोई आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा हो तो आपको, तो अरे कहाँ हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं, कहाँ इतना आप हम, तो इस टाइप के फीलिंग्स के तहत आ जाते। लेकिन यहाँ पर एरेमिस ब्लश क्यों कर रहा है उसे हम देखते हैं, डीपली मतलब काफ़ी गहरे से उसकी शर्मिंदगी उसके चेहरे से नज़र आ रही थी। एंड स्नैच्ड द हैंकरचीफ, उसने हैंकरचीफ को छीन लिया द आर्टिनन से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब वो हैंकरचीफ वो भी किसी औरत का उसके हाथ में, तो शर्म तो आई जाएगी ना। ओह सेड वन ऑफ द गर्ल्स, तो उसमें से जो एक गार्ड था मतलब दूसरा मस्केटियर जिससे बातचीत हो रही थी, विद ट्विंकल इन हिज आई, ट्विंकल इन हिज आई का मतलब यह है कि आँखों में चमक, आँखों में चमक का मतलब कोई आपको आइडिया ध्यान में आ जाए, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, मतलब कुछ भी बात आपके दिमाग में अचानक किसी सॉल्यूशन के रूप में आ जाए, कोई आइडिया आ जाए, तो या आइडिया, तो ट्विंकल इन द आई। वी ऑल नो दिस हैंकरचीफ बिलोंग्स टू, हम सब जानते हैं ये हैंकरचीफ किसका है, बिलोंग्स टू, मैं इसको ऐसे बोलूँगा, मैडम दी बॉय ट्रेसी, आप चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं मैडम डी बॉय ट्रेसी, ओके, लेकिन मैडम को फ्रेंच में यहाँ मैडम भी कहा जाए, मैडम दी बॉय ट्रेसी, तो शी वॉज अ लव हिज लव, तो ये उनकी प्रेमिका थी और उनका ये रुमाल था। ही इज़ ओनली प्रटेंडिंग, प्रटेंडिंग मतलब होता है बहाना करना, मतलब जो रियल है उसे छुपाते हुए कुछ और दिखाने की कोशिश करना, दिस इज कॉल्ड प्रटेंडिंग। ही इज़ ओनली प्रटेंडिंग टू हैव लवर्स क्वारल, टू हैव लवर्स क्वारल का मतलब लगता है जैसे प्रेमियों में जो झगड़े होते हैं, दैट आर कॉल्ड लवर्स क्वारल, वो बहुत सीरियस नहीं होते, फिर दोनों मिल जाते हैं, तो लगता है जैसे प्रेम ही प्रेम का यहाँ आपस में झगड़ते हैं, लगता है वैसे कुछ झगड़ा इनका हुआ है विद हर, उसके साथ, किसके साथ, मैडम दी बॉय ट्रेसी के साथ। तो एक मस्केटियर ने मजाक करते हुए कहा, दे बेट फेयरवेल, बेट फेयरवेल जो है बिड फेयरवेल का मतलब जब आप किसी से विदा लेते हो, है ना, वेन यू लीव एंड मूव अवे, किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी के साथ हो, तो चलो भाई अब चलते हैं अलविदा, तो बिट फेयरवेल उसे कहा जाता है, यहाँ बिट का पास्ट टेंस है बेड। दे बेट फेयरवेल टू एरेमिस, एरेमिस को उन्होंने कहा अच्छा भाई अलविदा, एमडिस्ट लाउड लाफ्टर, ठहाका लगाते हुए हंसते हुए लोग निकल गए, तो थोड़ा सा यहाँ पर मजाक किया, और निश्चित है कि एरेमिस को अच्छा नहीं लगा होगा, वो हैंकरचीफ को छुपा लेना चाहता था, किसी को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन डार्टिनन की वजह से वो हैंकरचीफ लोगों की नज़र में आ गया। अब देखो क्या करता है ये, एरेमिस टर्न्ड एंग्री टू डार्टिनन, डार्टिनन की तरफ गुस्से में मुड़ा जब वो चले गए मस्केटियर्स बाकी, सर यू हैव नो मैनर्स, तुमको तमीज़ नहीं है सर, ओनली अ फूल उठ पुल आउट, पुल आउट मतलब तो खींच के निकाल लेना, अ हैंकरचीफ फ्रॉम अंडर अ मैंस फुट, ये जो है फिर आ गया है, दो प्रीपोजिशन इकट्ठा यूज हुए, सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही ऐसा होगा जो किसी के पैर के नीचे से रुमाल खींच ले,
उसके कहने का मतलब ये है कि भाई पैर के नीचे है तो मैंने जानबूझ के दबाया होगा और तुमने निकाल दिया उसको। सो यू हैव नो राइट टू इंसल्ट मी। देखिए मैं इन सब पर और भी बातें कर सकता हूँ आपसे, डिस्कशन कर सकता हूँ सिचुएशन पे, बट इट इज़ नॉट द रियल फिजिकल क्लास, इट इज़ अ वीडियो, और वीडियो हमें शॉर्ट रखना है और एक ही पार्ट में मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। सो यू हैव नो राइट टू इंसल्ट मी, तो डी आर्टेनन का भी भाई थोड़ा सा आत्मसम्मान जाग गया सर पे। सर यू हैव नो राइट टू इंसल्ट मी, आपको मेरी बेइज्जती करने का, अपमान करने का, कोई इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, नो राइट। आई वॉज ओनली ट्राइंग टू बी हेल्पफुल, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। यू शुड नॉट हैव लेफ्ट इट फॉल, यू शुड नॉट हैव, तुम्हें इसे गिरने नहीं देना चाहिए था। आप इनसे नए कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं ना, यू शुड नॉट हैव लेट इट फॉल, यू शुड नॉट हैव लेट हिम गो, उसे जाने नहीं देना चाहिए था, है ना, इस तरह से। इट इज़ क्लियर टू मी, अब मुझे साफ साफ क्लियर हो रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, दैट आई शैल हैव टू टीच यू सम मैनर्स, कि तुम्हें मुझे मैनर्स सिखाने ही पड़ेंगे। देखिए एथोस ने भी कहा, पोर्थोस ने भी कहा, और देखो एरेमिस भी कह रहा है कि तुम्हें मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि डार्टेनन मैनरलेस आदमी था? जस्ट थिंक अबाउट इट। लेट अस मीट आउटसाइड मुस्योर डी ट्रेवल्स हेडक्वार्टर्स, हम मुस्योर डी ट्रेवल्स हेडक्वार्टर के पीछे मिलते हैं 2 बजे। देखिए एक का टाइम 12 बजे हो गया था उसके साथ, पोर्थोस के साथ हो गया 1 बजे का, और 1 घंटे के बाद 2 बजे हो गया एरेमिस के साथ। ये तीनों ड्वेल लड़ने हैं। फ्रॉम देयर विल प्रोसीड टू क्वाइट एंड लॉन्ली प्लेस, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, कहाँ से, इस जगह से, मोस्योर डी ट्रेवल, जहाँ पे लोग पीछे मिलेंगे हेडक्वार्टर के, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय हो गया, मतलब जहाँ पे कई ऑफिसेज़ का हेडक्वार्टर होता है, कई ऑफिसेज़ को कंट्रोल करने वाला जो ऑफिस होता है वो हेडक्वार्टर, और वहाँ से फिर हम लोग प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड, किसी शांत और निर्जन जगह चले जाएंगे, लॉन्ली मतलब जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह चले जाएंगे और फिर ड्वेल करेंगे। आई शैल बी देयर, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जी। द टू मैन बाउड टू वन अनदर, एक दूसरे का उन्होंने अभिवादन किया झुक के, एंड पार्टेड, देखिए पार्ट का मतलब यहीं पे यही है, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, विदा हो जाना, टू मूव अवे, टू लीव द प्लेस। आप सिर पर कंघी करके जब बाल झाड़ते हो तो मांग काटते हो, उस मांग को भी पार्ट कहा जाता है। डार्टेनन फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अब भाई डार्टेनन ने अपने आप को बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया, स्थिति बड़ी विकट थी, बड़ी डिफिकल्ट थी। ही वॉज गोइंग टू हैव, मतलब वो जा रहा था लड़ने के लिए, फाइट 3 ड्वेल्स इन अ मैटर ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे के अंतराल पे उसे 3 द्वंद्व युद्ध लड़ने थे, ड्वेल्स लड़ने थे, जहाँ पे 2 लोग आपस में लड़ते हैं। आई डोंट थिंक आई कैन स्केप दिस टाई, टाई का मतलब यहाँ पे मुकाबला, मैच, मुझे नहीं लगता कि मैं इस मुकाबले से भाग सकता हूँ। अगर ये चाहता तो भाग सकता था, ना जाता वहाँ पे। इफ़ द किल मी, बट इफ़ द किल मी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे मार दिया जान से, अगर मेरी जान चली गई लड़ते वक्त, है ना, देखिए ड्वेल होते थे, सम्मान में लोग लड़ा करते थे, उसमें जाने भी चली जाती थी। एट लीस्ट आई शैल बी किल्ड बाई ए मस्केटियर, कम से कम मेरी मौत एक मस्केटियर से होगी, क्योंकि एथोस भी मस्केटियर, पोर्थोस भी मस्केटियर, और एरेमिस भी मस्केटियर। तो अब सोचिए उस वक्त मस्केटियर की कितनी इज्जत हुआ करती थी, कि मेरी जान जाएगी तो किसी मस्केटियर के हाथ जाएगी, ये भी एक सम्मान की बात है। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ सैनिक शहीद होते हैं तो वो शहादत मुझे मिलेगी। ही फाउंड सम कम्फर्ट इन दिस थॉट, और इससे उसको बड़ी राहत मिली। कम्फर्ट का मतलब होता है वैसे आराम, लेकिन यहाँ आराम से मतलब है कि उसके मन को एक चैन मिला कि चलिए मैं बहादुरों से लड़ूंगा और बहादुरी की मौत मरूंगा अगर ऐसा होता है तो। वॉट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द 3 मस्केटियर्स एट दिस पॉइंट, 3 मस्केटियर्स को लेकर आपके मन में क्या विचार यहाँ पे आ रहे? देखिए मेरा तो विचार यही आ रहा है कि तीनों एक तो बहादुर थे, प्लस थोड़ा गुरूर भी था उनको, कि देखिए अनजान व्यक्ति से, और अपने ऑनर से, सम्मान से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारी इंसल्ट कैसे की, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देवर करेजियस एंड यस देवर प्राउड ऑफ बींग मस्केटियर एंड कुड नॉट बियर देयर इंसल्ट, सो देवर रेडी टू ड्यूल, क्योंकि ड्यूल में तो किसी की भी जान जा सकती थी। डार्टेनन अराइव्ड एट द लग्जमबर्ग पैलेस, तो देखिए डार्टेनन लग्जमबर्ग पैलेस में पहुँच गया, जो पहले वाला जो आर्थोस है जिसे लड़ना था। एज द गोंग फ्रॉम अ नियर बाई कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब होता है आप मठ समझ लीजिए, हम आश्रम जिसे कहते हैं सन्यासियों के लिए, ये क्रिश्चियनिटी में जो नन वगैरह जहाँ रहती है, तो कॉन्वेंट वॉज स्ट्राइकिंग 12, तो एक गोंग, गोंग होता है गोल गोल, जो स्कूलों में जो छोटे मोटे स्कूल होते हैं वहाँ पर, हो सकता है बड़े स्कूलों में भी यूज़ होता हो, गोंग होता है जिस पर हम स्ट्राइक करते हैं तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी से आवाज़ निकल के आती है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। 12 बजाए उसने, देयर ही फाउंड एथोस, वहाँ एथोस को उसने पाया, सिटिंग ऑन ए लार्ज स्टोन, एक बड़े स्टोन पर बैठा हुआ था।
वैन ही सॉ डार्टिनन, जब उसने डार्टिनन को देखा, एथॉस रोज, वो उठा एंड वॉकड, और चलकर स्लोली उसके पास आया। सर, सेड एथॉस, एथॉस ने कहा, श्रीमान जी, आई एक्सपेक्ट टू ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दो दोस्तों की आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट का मतलब आशा, यानी मेरे दो दोस्त आने वाले हैं, टू एक्ट एज माई सेकेंड्स, और वो मेरे सेकेंड्स का काम करेंगे। देखिए सेकेंड्स जो है यहाँ पे ना, उस वक्त जब ड्यूल्स होते थे तो दोनों तरफ के सेकेंड्स, जैसे आप बॉक्सिंग के मैच में देखते हो किस प्रकार से जो दो बॉक्सर्स लड़ रहे होते हैं, तो जब वो ब्रेक होता है बीच में, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक किया जाता है, तो जब वो बैठते हैं तो उनकी मालिश करता है, पानी पिलाता है, उनको कुछ आइडिया भी देता है, तो दो उसके साथ लोग रहते हैं। तो जो सेकेंड्स का काम ये होता था कि वो ये देखते थे कि उस वक्त जो ड्यूल्स होते थे तो रूल के हिसाब से होते थे, मतलब कैसे ड्यूल लड़ा जाएगा, क्या सिस्टम होगा, और वो रूल्स दो लोग मिलकर जो लड़ने जा रहे हो तय भी कर सकते थे। तो उनकी तरफ से भी सेकंड, जैसे मान लीजिए एरेमिस की तरफ से सेकंड हो और एथोस की तरफ से सेकंड हो, तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो किसी तरह से पहले तो सोच कोशिश करें कि भाई लड़ाई ना ही हो, समझाने बुझाने की कोशिश करें, और अगर लड़ाई हो भी तो वो देखेंगे कि भाई वेपन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, दोनों तरफ बराबर के वेपन्स होने चाहिए, कोई बदमाशी ना करे, रूल्स तोड़े ना, ज़रूरत पड़ने पर वो इंटरवीन कर सकें, है ना। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना, असिस्ट करना, ठीक से ड्यूल चले उसमें मदद करना, ड्यूल ना हो उसको भी ना डिफ्यूज़ करने की कोशिश करना, तो ये सब सेकेंड्स का काम होता था। बट दे आर अ लिटिल लेट, लेकिन उनको थोड़ा देर हो रही है। आई हैव नो सेकेंड सर, सेड डार्टिनन। डार्टिनन ने कहा, सर मेरा तो कोई सेकेंड नहीं है, आई हैव जस्ट अराइव्ड इन पेरिस, और मैं तो अभी भी पेरिस में आया हूँ, एंड आई न्यू नो बडी एक्सेप्ट मोश्यू टू ट्रेवल। देखिए पेरिस में, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वो गैस कोनी में रहता था डार्टिनन, और वो आता है पेरिस में मस्केटियर बनने के लिए, तो वहाँ पर रॉशफोर्ट, जो मैंने शुरू में बताया था, उसका लेटर चोरी कर लेता है, तो वो उनका पीछा करते करते इन तीनों से टकराता है। तो नया नया पेरिस में आया होता तो वही कहता, भाई तुम्हें नया नया आया हूँ और मेरा कोई जानकार नहीं है एक्सेप्ट मोश्योर डी ट्रेवल, क्योंकि मोश्योर डी ट्रेवल को वो लेटर देने वाला था, उसको पता था कि मुझे वहाँ जाकर मिलना है और लेटर देना है, जिससे वो मस्केटियर बनने में मदद करें। तो जस्ट देन द ह्यूज फिगर ऑफ पोर्थोस अपीयर्ड। पोर्थोस की थोड़ी ह्यूज फिगर थी, तगड़ा सा था, वो पहुँचता है वहाँ पर, और फिगर का मतलब यहाँ पर है उस व्यक्ति का शरीर, यहाँ पर है ना, पोर्थोस का शरीर यहाँ पर। वॉट एक्सक्लेम डार्टिनन, आर्टिनन का, क्या इज मोश्यूड पोर्थोस वन ऑफ योर सेकेंड्स, क्या ये श्रीमान जी पोर्थोस आपके सेकेंड्स हैं? तो अब उसे ताजुब तो होना ही होना है ना, क्योंकि इससे भी इसका ड्यूल होना था। यस, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू हिम, क्या तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है? जब हम किसी बात का विरोध करना चाहते हैं तो अपने ऑब्जेक्शन देते हैं, मतलब कोई ऐतराज है तुम्हें, कुछ कहना है तुम्हें? ओह सर्टेनली नॉट, ना ना बिल्कुल नहीं। डार्टिनन टर्न्ड एंड सॉ एरेमिस, इतने में मुड़ा तो उसको एरेमिस नजर आया। वॉट ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब जब हमारी सडन फीलिंग्स निकल के आती हैं, ओ आ अरे, है ना, तो वो एक्सक्लेमेशंस होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। इन इवन ग्रेटर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब हो गया आश्चर्यचकित, ग्रेट सरप्राइज। इज मोश्यो एरेमिस द अनदर सेकेंड, ये आपका दूसरा सेकेंड है, क्योंकि इससे भी उसका तीसरा द्वंद्व युद्ध होने वाला था। तो ये बड़ी इत्तफाक की बातें हैं, कॉइंसिडेंस है कि तीनों लोग वहाँ नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स बेशक, वी थ्री आर ऑलवेज टुगेदर, हम तीनों तो हमेशा साथ रहते हैं। द कॉल अस द इनसेपरेबल्स, ये जो थ्री मस्केटियर्स थे इन्हें द इनसेपरेबल्स भी कहा जाता था। इनसेपरेबल्स का मतलब जिन्हें सेपरेट ना किया सके, अलग ना किया सके, यानी ये लोग हमेशा साथ रहते थे। और इस नावल में थ्रू आउट द नावल कि ऐसी नावल जो लव, करेज, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, इन सबको, एडवेंचर, सबको अपने में समाहित की हुई है। इस प्रकार के नॉवल में तीनों हमेशा, और डार्टिनन भी मिल जाता है, तो चारों हमेशा एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहते थे। नॉवल अच्छी है, बहुत ही फेमस है, एडवेंचरस है, इंट्रीगिंग है, प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, विलेंस भी हैं, और अंत भी इसका अच्छा है, बस एक छोड़ के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। पोर्थोस एंड एरेमिस वर एस्टोनिश्ड एट डार्टिनन, तो डार्टिनन को देख के ये दोनों भी, पोर्थोस भी एरेमिस भी, कह रहे ये यहाँ क्या कर रहा है। बट आई वॉज गोइंग टू फाइट दिस जेंटलमैन, पोर्थोस टोल्ड एथॉस, एथॉस ने कहा कि मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ जेंटलमैन से। नॉट टिल 1 o'clock, सेड डार्टिनन, तो डार्टिनन का नहीं 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 1 बजे से पहले नहीं। तो अच्छा यहाँ पर, बट आई वॉज गोइंग टू फाइट दिस जेंटलमैन पोर्थोस, पोर्थोस एथॉस से कहता है कि मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ, जबकि पहली लड़ाई एथॉस से होनी है, और पोर्थोस से जो लड़ाई होनी थी, द्वंद होना था, ड्यूल होना था, वो 1 बजे का था। तो इसलिए कहता है भाई 1 बजे से पहले नहीं, मतलब वो सोचा था कहीं सब मुझसे इकट्ठा ना भिड़ जाएँ। तो कहता है आपका तो 1 बजे से, आई टू एम गोइंग टू फाइट हिम, सेड एरेमिस। एरेमिस ने कहा अरे भाई मैं भी तो इससे लड़ने जा रहा हूँ, ड्यूल मुझे भी करना है। नॉट टिल 2 o'clock, सेड डार्टिनन, डार्टिनन ने कहा 2 बजे से पहले आप नहीं कर सकते रूल्स। तो थोड़ा सा फन भी यहाँ पे है,
लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि डार्ट इन घबरा नहीं रहा है ना, भाग नहीं रहा है, फेस करने के लिए रेडी है। ये एक जो स्प्रिट है ना फाइट करने की विदाउट केयरिंग फॉर लाइफ, ये होनी चाहिए मस्केटियर में, ऐसा माना था। बट वॉट आर यू फाइटिंग अबाउट? लेकिन एथोस बोलता है, लेकिन एरेमिस तुम क्यों लड़ना चाहते हो? ही हर्ट मी ऑन माई शोल्डर, रिप्लाइड एथोस। अच्छा, एथोस से पूछता है एरेमिस, एरेमिस एथोस से पूछता है कि तुम क्यों लड़ना चाहते हो? तो एथोस ने कहा, इसने मेरे कंधे को बहुत तेज़ी से धक्का दिया था, मेरे कंधे को चोट पहुँचाई है। एंड यू पोर्थोस, एरेमिस ने फिर पोर्थोस से पूछा, पोर्थोस तुम क्यों लड़ना चाहते हो? आई फाइट बिकॉज आई फाइट, मैं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लड़ना है, रिप्लाइड पोर्थोस। पोर्थोस ने कहा ग्रोइंग रेड, गुस्से में लाल होके। अब आपको याद आ रहा होगा उसकी सोने की बकल को देखकर लोग समझते थे चेन भी सोने की होगी, लेकिन वो क्लॉक उड़ जाता है और उसे लेदर नज़र आ जाता है, तो कहता है मैं वो देख रहा हूँ जो दूसरे नहीं देख पाते, चेन सोने की और बेल्ट सोने की नहीं है, और तुम दिखाना चाहते हो कि सोने की बकल क्यों लगाया? तो वो अभी भी उसको फीलिंग आ रही थी, गुस्से में लाल। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट हिज ड्रेस, सेट डार्टिनेंट। तो डार्टिनेंट ने बात पूरी की, क्यों लड़ना चाहते हैं? दरअसल मुझे इनकी ड्रेस को लेकर थोड़ा सा हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया था, अब ये नहीं बता रहा है कि बेल्ट को लेके। एंड यू एरेमिस, एथोस ने पूछा, अच्छा एरेमिस तुम क्यों लड़ना चाहते हो? मी, मैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब जो एरेमिस है वो क्या कारण बताए, क्या बताए कि लेडी के हैंकर चिप की वजह से? आई हैड अ रिलीजियस आर्ग्यूमेंट, झूठ बोल गया। इसके अलावा मस्केटियर झूठ भी बोलते थे। आई हैड अ रिलीजियस आर्ग्यूमेंट विद, मेरा थोड़ा धार्मिक मामले को लेकर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गई थी, बहस हो गई थी। आंसर एरेमिस सिग्नलिंग, इशारा करते हुए टू डार्टिनेंट, आर्टिनेंट को इशारा करते हुए, दैट ही विश टू हाइड, मतलब उसकी इच्छा है कि बात छुपी रहे, द रियल कॉज, जो सही कारण है लड़ने का, ऑफ देयर क्वेरल, उनके झगड़े का, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसके मित्रों से। तो वो अपने मित्रों से डार्टिनेंट को इशारा करता है कि भैया तुम बात खोल मत देना जो असली वजह है मेरे और तुम्हारे बीच में लड़ाई की, यानी कि वो जो हैंकरचीफ वाला बात को छुपाए रखना। ट्रूली डार्टिनेंट, हाँ सच में डार्टिनेंट इज अ मैन विद अ लॉट ऑफ करेज, ये तो बहुत बहादुर आदमी है। एथोस ने मन ही मन वो बुदबुदाया मर्मरिंग, क्योंकि वो यहाँ पे लड़ने के लिए आया है जबकि उसको तीनों से लड़ना है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और फिर भी भागा नहीं, ये बात है करेजियस फील करने के लिए। द टू मैन ड्रू देयर स्वॉर्ड्स, दोनों लोगों ने अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। निश्चित है एक तलवार, मतलब एथोस और ये डार्टिनेंट आपस में लड़ रहे होंगे। एट दैट मोमेंट अ पार्टी ऑफ द कार्डिनल्स गार्ड्स केम राउंड द कॉर्नर। देखिए राउंड द कॉर्नर मतलब ये हो गया कि भाई आसपास कार्डिनल के गार्ड नजर आए। देखिए कार्डिनल्स गार्ड्स का मतलब कार्डिनल के गार्ड, और कार्डिनल जो है वो रिलेटेड है टू क्लर्जी, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वैसे क्रिश्चियनिटी में चर्च होते हैं। तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को देखभाल करने वाले, कंट्रोल करने वाले, इंस्ट्रक्ट करने वाले, तो इस प्रकार से एक मेन कार्डिनल उस समय राज्य का था, उसका नाम मैं भी आपको बताऊंगा। तो उस कार्डिनल की रखवाली करने के लिए, उसकी गार्डिंग के लिए जो गार्ड थे उन्हें कार्डिनल्स गार्ड कहा जाता था। तो देखिए एक तरफ तो राजा हो गए, राजघराने के लोग हो गए, उनकी रखवाली के लिए, उनकी गार्डिंग के लिए मस्केटियर्स हो गए। कार्डिनल जो कि उस वक्त मेन रिलीजियस लीडर था और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करता था, पॉलिटिकल लीडर भी था, राजा बहुत मानता भी था इनको, तो उसके जो गार्ड हो गए वो कार्डिनल्स गार्ड हो गए। और मस्केटियर्स के गार्ड और कार्डिनल के गार्ड में कभी जमती नहीं थी, और यही वजह होती है कि जो कार्डिनल होता है जिसका नाम होता है रिशल्यू, रिशल्यू RICHELIEU, तो रिशल्यू। तो देखिए मैंने कितने आपको बता दिए, जो थ्री मस्केटियर्स हो गए, एथोस, पोर्थोस और एरेमिस और डार्टिनेंट, अभी अंत में देखेंगे वो फ्रेंड्स हो जाते हैं। रैशफोर्थ वो कार्डिनल जो मैंने बोला था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो जो मस्केटियर्स थे उनका कमांडर था मिस्टर ट्रेवल, मोस्टर डी ट्रेवल जो आपने देखा था, और कार्डिनल के गार्ड्स का जो कमांडर था वो था रैशफोर्थ, मैंने शुरू में बताया था। और इस वजह से जो रिशल्यू होता है वो काफ़ी प्लॉटिंग करता है नुकसान पहुंचाने के लिए डार्टिनेंट को। डार्टिनेंट थ्री मस्केटियर्स का मेन हीरो है, हालांकि वो थ्री मस्केटियर्स भी हैं। और एक और इस वक्त मैं बता दूँ आपको, विलेन रिशल्यू जिसकी हेल्प भी लेता है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए डार्टिनेंट और मस्केटियर्स को, उसका नाम था मलाडी, लेडी थी, बहुत खूबसूरत थी, और एक बार तो इसकी खूबसूरती के चक्कर में फंस जाता डार्टिनेंट भी। और जो मैंने बताया था कि इसका जो एंड है वो थोड़ा सा, मतलब वैसे तो ठीक है बट थोड़ा सैड भी हो, मैं बाद में आपको बताऊँगा। केम राउंड द कॉर्नर, देवर लेड बाई मोश्योर डी जुसैक। तो उस वक्त जो कार्डिनल गार्ड का जो लीडर था मोश्योर डी जुसैक,
जुसैक भी बहुत बड़ा शॉट्समैन था, फेमस शॉट्समैन, वो बहुत महान मतलब जाना माना तलवारबाज था। द कार्डिनल्स गार्ड्स पुट योर शॉर्ट्स अवे, अरे कार्डिनल गार्ड आ गए, पुट योर शॉर्ट्स अवे, अपनी तलवार एक तरफ रख दो, क्विक जल्दी, क्राइड पोर्थोस, पोर्थोस चिल्लाया, और एरेमिस भी। तो एरेमिस, पोर्थोस ने एथोस से कहा तलवार हटा दो, तलवार हटा दो, लगे ना कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। बट इट वॉज टू लेट, एथोस एंड डार्टिनन हैड बीन सीन फाइटिंग अ ड्वेल, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि एथोस और डार्टिनन दोनों आपस में द्वंद करते हुए, ड्वेल करते हुए गार्ड्स ने देख लिया। दिस वॉज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ था, मतलब वहाँ पर उस समय अलाउड नहीं था, एंड इट मेंट प्रिजन फॉर बोथ ऑफ देम, और ये चूंकि कानून के खिलाफ था तो इनको सजा हो सकती थी, दोनों जेल जा सकते थे। वुड यू थिंक ड्वेलिंग माइट हैव बीन अगेंस्ट द लॉ, बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ होना चाहिए, क्या हिंदुस्तान में आज है कि कहीं भी दो लोग तय करने जाए कि भिड़ जाएँ और किसी एक की जान चली जाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? नो, इसमें अक्सर लोग सम्मान के लिए या कहीं पर डिसएग्री हो जाते थे तो वहाँ भिड़ जाते थे और फिर उसमें जान तक चली जाती थी। हालांकि रूल्स होते थे, ड्वेल करने वाले तय कर सकते थे कि भाई कहाँ पे ड्वेल ख़त्म करना है, मैं गिर जाऊँ नीचे तो ड्वेल ख़त्म करना है, या पहला वार हो जाए तो ख़त्म करना है, मतलब ड्वेल करने वाले। और ऐसे भी ड्वेल होते जहाँ कहते थे कि भाई हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक किसी एक की जान न चली जाए, तो फॉर ऑनर, फॉर द सेक ऑफ ऑनर दे यूज टू फाइट, लेकिन इसे गैर कानूनी करना चाहिए था और इसलिए उस समय वहाँ पर ड्वेलिंग को अगेंस्ट द लॉ करार दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से इस तरह से लड़कर उसमें किसी की जान जानी नहीं चाहिए। जैसे आज है, अगर कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो आप FIR दर्ज कराइए, तो उस प्रकार से आप उसे जो संबंधित अधिकारी उनकी नज़र में लेके आइए, खुद भिड़ कर न्याय करने की कोशिश मत करिए। दैट इज़ वाई इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। लेट अस कैरी ऑन फाइटिंग, तो वो कहता अच्छा, एथोस जो कि जोश में था वो कहता है हम लोग लड़ाई करना जारी रखें। अच्छा सॉरी, एथोस एक गार्ड से कहता है लेट अस कैरी ऑन फाइटिंग, हमें लड़ाई करने दो ना, लेट अस का मतलब हम लोगों को करने दो ना, लड़ाई करने दो ना, एंड इफ़ वी एवर सी यू, और कभी हम तुम लोगों को देखेंगे लड़ते हुए, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, यू वी विल नॉट डिस्टर्ब यू, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है ना लेन देन वाली बात, भैया हम लोग ड्वेल कर रहे हैं, कर लेने दो ना, कभी तुम हम देखेंगे तुम लोग कहीं ड्वेल कर रहे हो तो हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, सरकार को नहीं बताएंगे, तुम हमारी मत बताओ, कहीं तुम भी तो ड्वेल करोगे, ड्वेल चुपके चुपके हो जाया करते थे। मस्केटियर्स रिपीट इट इज़ माई ड्यूटी टू अरेस्ट यू, लेकिन वो चिल्लाता है जुसैक, मस्केटियर्स ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम लोगों को अब अरेस्ट करूँ, पुट योर शॉर्ट्स अवे, अपनी तलवार एक तरफ रख दो, एंड इफ़ यू प्लीज़ एंड कम विद अस, इफ़ यू प्लीज़ को मतलब रिस्पेक्ट के साथ कह रहा है कि बेहतर होगा कि आप लोग कृपया करके अपनी तलवार रख दें और हमारे साथ आएँ। एथोस एंड जैसे कि मैंने बताया कि कार्डिनल के गार्ड और मस्केटियर्स पर जमती नहीं थी, तो कार्डिनल के गार्ड से अरेस्ट होना भी मस्केटियर्स पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि रॉसफोर्ड तो यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो राजा को यहाँ तक सिफारिश करता है कि मस्केटियर्स की पूरी ब्रिगेड ही ख़त्म कर दी जाए, बैंड ही ख़त्म कर दिया जाए, मस्केटियर्स की पोस्ट ही ख़त्म कर दी जाए, है ना। तो ये सब है, सब षड्यंत्र वगैरह पूरे नॉवल में। एथोस एंड हिज कंपेनियंस डिड नॉट मूव, लेकिन एथोस और उसके जो साथी कौन कौन, पोर्थोस एंड एरेमिस, वो हिले नहीं, वहीं खड़े रहे। देयर आर फाइव ऑफ देम एंड ओनली थ्री ऑफ अस, तो वे लोग पाँच हैं और हम लोग तीन हैं, एथोस ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, वी शैल बी बीटन, हम लोग पीट दिए जाएंगे, हरा दिए जाएंगे, इफ़ यू फाइट देम, अगर हम उनसे लड़ते हैं, मतलब ये लोग भिड़ने की भी सोच रहे हैं लेकिन उनकी संख्या पाँच है, यहाँ तीन है, बट आई वुड रैदर डाई देन बी अरेस्टेड बाई जुसैक, तो कहता है बल्कि मैं तो, रैदर का मतलब होता है वस्तुतः, बल्कि मैं तो बल्कि मरना पसंद करूँगा जुसैक से अरेस्ट होने की बजाय। रैदर यहाँ पर देन का मतलब है की बजाय, तो अरेस्ट होने की बजाय बल्कि मैं मरना पसंद करूंगा, ये है शान की बात कि हम अरेस्ट नहीं हुए कार्ड, कोई मस्केटियर कार्डिनल गार्ड से अरेस्ट नहीं हुआ। लेट अस डाई टुगेदर, का चलो फिर हम सब लोग इकट्ठा ही लड़ेंगे और जान दे देंगे अगर चली जाती है जान तो, क्योंकि ये फ्रेंड्स हमेशा एक साथ रहते थे, इनसेपरेबल्स इन्हें कहा जाता था। देखिए तीनों भिड़ गए, क्राइड पोर्थोस एंड एरेमिस कमिंग क्लोजर टू एथोस, तो दोनों एथोस के पास आते हैं, हम साथ साथ हैं, ही वर नॉट वन ऑफ अस सेट पोर्थोस, अच्छा पोर्थोस डार्टिनन की तरफ देखकर कहता है कि तुम हम में से नहीं हो इसलिए तुम जा सकते हो, मतलब यू आर नॉट अ मस्केटियर, और ये लोग हमें गिरफ्तार करेंगे। आई मे नॉट हैव द यूनिफॉर्म ऑफ ए मस्केटियर, मेरे पास मस्केटियर की यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, मतलब आई मे नॉट हैव, मतलब मेरे पास मस्केटियर की यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या हुआ, बट आई हैव द हार्ट एंड सोल ऑफ वन, मेरा दिल मेरी आत्मा मस्केटियर की ही है, उसी बहादुर मस्केटियर की है जैसे आप लोग हैं। तो आई मे नॉट है मतलब मेरे पास हो सकता है यूनिफॉर्म नहीं है। डार्टिनन डिड नॉट मूव ए स्टेप, डार्टिनन भी उन्हीं के साथ खड़ा रहा और आगे नहीं बढ़ा अपने को अरेस्ट कराने के लिए।
यू आर अ ब्रेव फेलो, तुम बहुत बहादुर व्यक्ति हो। एथोस ने कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। डार्ट इन एंसर, देखिए अब जाके नाम पूछ रहे हैं, अब इसको महत्व दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और पहले इन्होंने इसका नाम भी नहीं पूछा था, भिड़ने के लिए तैयार थे। वेल पोर्थोस एरेमिस एंड डार्टिनन फॉरवर्ड क्राइड एथोस, तो एथोस ने कहा ओके ठीक है फिर, पोर्थोस एरेमिस डार्टिनन फॉरवर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं। दे रश्ड एट द कार्डिनल्स गार्ड्स, कार्डिनल गार्ड्स पे झपट कर भिड़ गए, एंड फियर्स मतलब भयंकर फाइट शुरू हो गई। डार्टिनन फॉट लाइक अ टाइगर, आर्टिनन टाइगर की सिरे एकदम चुस्ती फुर्ती के साथ जुसैक से भिड़ गया। जुसैक उस वक्त एक महान तलवारबाज था, और आगे चल के जब पहुंचती है राजा तक बात, तो वो बहुत ही प्रभावित होता है कि डार्टिनन कौन व्यक्ति है जिसने जुसैक जैसे व्यक्ति को हरा दिया था। एंड वुंडेड हिम बैडली, उसे बुरी तरह हरा दिया, किसने, डार्टिनन ने, किसको, जुसैक को, जो कि लीडर था कार्डिनल गार्ड का उस समय। देन ही वेंट टू हेल्प एथोस, उसके बाद एथोस की हेल्प करने के लिए जाता है। हु वाज ग्रोइंग पेल एंड पेलर, क्योंकि वो मतलब उसका चेहरा पीला से पीला पड़ता जा रहा था, क्योंकि वो थक रहा था। बट वॉज स्टिल फाइटिंग ब्रेवली, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ रहा था, क्योंकि देखिए कार्डिनल्स गार्ड भी मस्केटियर से कम नहीं थे, तो निश्चित है कि बराबरी में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई तो भारी पड़ेगा। तो उसकी मदद करने के लिए जाता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ रेस्ट, कुछ देर आराम करने के बाद एथोस रिटर्न टू फाइट एंड मैनेज टू किल हिज इनेमी, एथोस वापस लौटता है और अपने इनेमी को मार देता है। जब तक वो आराम करता है तब तक डार्टिनन उससे भिड़ा रहता है, और जुसैक को घायल कर ही चुका होता है। बाकी दो हो गए, एक को घायल कर दिया, चार बचे, जिसमें से एक से ये भिड़ा हुआ है, बाकी सब लोग भिड़े हुए। एरेमिस एंड पोर्थोस वुंडेड देयर इनेमीज, तो जो एरेमिस पोर्थोस थे उन्होंने भी घायल कर दिया था अपने इनेमी को, सो बैडली दैट दे कुड नॉट फाइट ऑन, तो एक तो मारा गया है, और जिसे एथोस ने मारा, दो घायल हो गए, जुसैक को घायल किया डार्टिनन ने। ओनली वन ऑफ द कार्डिनल्स गार्ड, हाँ कार्डिनल गार्ड में से एक जिसका नाम था बिस्गैरेट, रिमेंड ऑन हिज फीट, देखिए रिमेन ऑन फीट मतलब होता है डटे रहना, मुकाबला करते रहना, टू कंटिन्यू, लेकिन एक जो है मैदान में व्यक्ति डटा हुआ था जिसका नाम था बिस्गैरेट कार्डिनल गार्ड। ही सॉ दैट ही वॉज वन अगेंस्ट फोर, अब उसने देखा कि भाई मैं वन अगेंस्ट फोर वाली स्थिति आ गई है, मैं अकेला अब बाकी चार। बट ही रिफ्यूज टू सरेंडर हिज सॉर्ड, लेकिन उसमें तलवार सरेंडर करने से मना, सरेंडर मतलब होता है कि आप अपने को हवाले कर दें, लो भाई हम थक गए, हार गए, लो जो तुम्हें करना हो कर लो, तो अपने आप को किसी के सामने जाके कि लो भाई यू कैन अरेस्ट मी, मैं हार मानता हूँ। तो उस वक्त जो है तलवार मतलब जैसे अभी जैसे युद्ध है तो लोग हवाई जहाज़ पे कब्जा कर लेते हैं, टैंक पे कब्जा कर लेते हैं ना, आप आर्मी एरिया में जाओगे तो देखोगे कहीं ना कहीं आपको जो भारतीय सेना है तो वहाँ पे टैंक वगैरह नज़र आ जाएंगे बाहर रखे हुए, तो वो उन्होंने युद्ध में जीते होते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय किसी को हरा कर उसकी तलवार को कब्जे में ले लेना भी एक बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी, जो कब्जे में लेता है, जो जीतता है, और जिसकी तलवार ले ली जाती है, जो तलवार सरेंडर करे, लो मेरी तलवार, मैं हार मानता हूँ, तो तलवार सरेंडर करने का मतलब हार मानना, तो उस वक्त सोल्ड का मतलब होता था। टू डू सो वॉज टू सो दैट ही वॉज बीटन, क्योंकि अगर वो तलवार को सरेंडर करता है यानी उन्हें देता है, देन इसका मतलब वो हार गया। इंस्टेड मतलब की बजाय, मतलब सरेंडर करने की बजाय, ही ब्रोक हिज सॉल्ड, उसने भी तलवार को तोड़ दिया, अक्रॉस हिज नी, मतलब जैसे लकड़ी तोड़ी जाती है उस पर जांग पे रखे, तो उसने दो टुकड़े कर दिए, यानी लो अब तलवार, अब वो अकेला तो लड़ नहीं पाएगा चारों से, हार तो तय है लेकिन तलवार मेरी नहीं मिलेगी उनको। ब्रेवरी इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, बहादुरी का हमेशा सम्मान होता है, इवन इन एनिमी, चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। पता है जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी इतनी बहादुरी से, तो अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि भाई बहुत बहादुर सेनानी है, हालांकि वो दुश्मन थी, उसके बावजूद भी उसकी तारीफ उन्होंने की थी। द मस्केटियर्स सैल्यूटेड बिस्गैरेट विद द स्वॉर्ड्स एंड रिटर्न देम टू देयर स्कैबर्ड्स, तो मस्केटियर्स ने सैल्यूट मारा किसको, बिस्गैरेट, इसकी बहादुरी का सम्मान करने के लिए, और अपनी तलवार से, और उसके बाद तलवार से है, और उसके बाद उन्हें अपने स्कैबर्ड्स में लग दिया, स्कैबर्ड्स मतलब मयान जिसमें तलवार रखने का जो केस था उसमें। देन दे कैरीड द वाउंडेड इनेमीज टू द नियर बाई कॉन्वेंट, उसके बाद वो जो कॉन्वेंट था नज़दीक वहाँ लेके गए, तो उस वक्त कॉन्वेंट में जो लोग होंगे वो निश्चित इनकी हेल्प करेंगे, जो घायल हो गए थे, एक तुम्हारा गया था, चार बचे थे। हैज़ योर ओपिनियन ऑफ थ्री मस्केटियर्स चेंज एट ऑल एट दिस पॉइंट, वाई, तो क्या आपको तीनों मस्केटियर्स को लेकर आपको कोई जो इरादा बदला, कोई ओपिनियन बदला, विचार बदला। तो देखिए शुरू में मैंने अपने अपने विचार रख दिए थे, अब चूंकि सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में नहीं आ सकते, आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, तो आप भी स्टोरी पूरी जान गए हैं, तो अपने आइडियाज़ रखिए तीनों के बारे में, शुरू में क्या था, अब क्या है। अब मेरा विचार ये है कि तीनों मस्केटियर्स खुद भी ब्रेव थे, और दूसरे ब्रेव व्यक्ति की इज्जत करना जानते थे, और अपने ऑनर के लिए उन्हें मर जाना पसंद था, और वो बहादुर व्यक्ति की किस तरह से इज्जत करते थे, डार्टिनन को अपने साथ लेकर उन्होंने इस चीज़ को शो किया था।
द थ्री मस्केटियर्स थोड़े गुरूर थे, घमंडी जरूर थे क्योंकि उन्हें पावर पे घमंड था। और जैसे हमने देखा कि जो है किस तरह से ड्यूल के लिए तुरंत ललकार देते हैं कि हमसे आओ ड्यूल करो, जीत के दिखाओ, लेकिन दिल के अच्छे थे, गुड एट हार्ट। वेविंग द फोर शॉट दे हैड कैप्चर्ड, तो चारों तलवारों को लहराते हुए जो उन्होंने कब्जा किया था तलवारों पे, वो चारों को हरा के, और एक ने तो तोड़ दी थी। द विक्टोरियस मस्केटियर सेट ऑफ हैपली, सेट ऑफ मतलब रवाना हो जाना, जहाँ से हैं कहीं और के लिए चल देना। हैपली फॉर मोश्योर ट्रेवल, तो मोश्योर ट्रेवल के हेडक्वार्टर के लिए वो रवाना हो जाते हैं। आपको मालूम है एथोस, मतलब लोगों ने अलग अलग जगह ड्यूल के लिए तय की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ एथोस होता है वहाँ पे वो दोनों पहुँच जाते हैं। लेकिन जब एक बजे जब पोर्थोस के साथ लड़ाई की बात होती है, तो पोर्थोस अपनी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसने कामिस डिक्शो है ना, वहाँ पे आने के लिए कहा था। तो उसके बाद एरेमिस भी, वो जहाँ उसने कहाँ बुलाया था, हाँ, मोश्योर डी ट्रेवल के हेडक्वार्टर के पीछे के लिए बुलाया था, तो ये लोग वहाँ भी पहुँचते। और निश्चित है कि जब पोर्थोस पहुँचता तो एथोस वहाँ आ जाता, एरेमिस होता तो एथोस पोर्थोस भी साथ होते, तो दीज वर इनसेपरेबल्स रियली। दे वॉक्ड, तो वहाँ पहुँचते, दे वॉक्ड आर्म इन आर्म, तो बाहों में बाहें डाल के ऑक्यूपाइंग द होल स्ट्रीट, है ना। मान लीजिए स्ट्रीट है, तो तीनों जो है ऐसे करके चारों बाहों में ऐसे बाहें बाहें हाथ डालकर, है ना, ये खुशी खुशी स्ट्रीट पर चल रहे थे क्योंकि चौथा दोस्त उन्हें मिल गया था। डार्टिनन वॉज फील्ड विद जॉय एज ही वॉक्ड प्राउडली, मतलब बड़े गर्व से, क्योंकि उसके मस्केटियर्स वो दोस्त बन चुके थे, तो आनंद के मारे, खुशी के मारे वो चल रहा था एथोस और पोर्थोस के बीच में। इफ़ आई एम नॉट एट मस्केटियर, अगर मैं एक मस्केटियर नहीं हूँ, ही टोल्ड हिज न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्तों से कहा, एट लीस्ट कम से कम, मतलब मीनिंग्स में बता रहा हूँ, आई एम ऑन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते पर, बिकमिंग वन, एक बनने के रास्ते पर, यानी मैं अभी मस्केटियर नहीं हूँ तो क्या हो गया, मैं एक मस्केटियर बनने की राह पर हूँ। यानी मोश्योर डी ट्रेवल के यहाँ जा रहे थे, वहाँ चर्चा होती है इसकी। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो ड्यूल था, इसकी बात जब पता चलती है मोश्योर डी ट्रेवल को, तो वो मस्केटियर्स को फेवर करने के लिए सोचता, राजा को पहले मैं जाके स्थिति बता दूँ ढंग से। लेकिन जब राजा के यहाँ पहुँचता है तो ऑलरेडी कार्डिनल गार्ड की बात वहाँ पहुँच चुकी होती, रिशल्यू अपनी बात पहुंचा चुका होता है, कान भर चुका होता है राजा के, किस प्रकार से मस्केटियर्स, तो बहुत डांटता है कि तुम्हारे मस्केटियर्स कंट्रोल में नहीं है, और कार्डिनल्स गार्ड ने को इन्होंने ड्यूल किया और जो है घायल कर दिया। लेकिन मोश्योर डी ट्रेवल चीज़ को संभाल लेता है। अब वहाँ पे बात निकल के आती है कि जिस सैक को घायल करने वाला व्यक्ति डार्टिनन था, तो राजा बड़ा प्रभावित होता है। तो ये यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, ये आपके टीचर बताएंगे कैसे करना है। और इसमें दिखाया गया किस प्रकार से सब एक हो जाते हैं कॉमन इनमी को हराने के लिए, और जिसकी वजह से वो प्राउड फील करते हैं और विक्टोरियस यानी जीत कर आते हैं अंत में, और ड्यूल करने के लिए भी राजी हो जाते हैं तुरंत अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए। और फिर कार्डिनल गार्ड से भी वो लड़ते हैं जो कि इल्लीगल होता है, तो इस पर आपको बहस करनी क्योंकि इल्लीगल काम भी वो कर रहे थे। और इसके जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, और आपको कुछ भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप हमें भेजिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन स्टडी वेल एंड लर्न वेल।